जीएसटी फ्रेंचाइजी पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी पे बात करना चाहूंगा। आपको टिकटॉक के बारे में हर किसी ने सुना है। टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और जिस पे लोगों ने दिन रात लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, सारी मेहनत करी उससे अर्न करने के लिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने आते थे, बट जिन्होंने उसको सीरियसली एक एज अ प्लेटफॉर्म, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म ऑप्ट किया था, उनके लिए आई सैल्यूट। और उन्होंने दिन रात सब एक लगा दी। क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया और रातों रात उनका पूरा का पूरा जो सालों की मेहनत थी सब खत्म। नोकिया जो एक टाइम पे मोबाइल में किंग था, ठीक है, वो गायब, अब रिवाइव हुआ है बट स्टिल नॉट। मोटरोला एक जो मतलब स्मार्टफोन लाने वाली कंपनी और आज के टाइम पे गायब है, दोबारा आई है बट स्टिल दैट्स नॉट अप टू द मार्क लेवल, करेक्ट है। सो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्टली मतलब बनता है हमारे जीएसटी की इस डिस्कशन से कि जीएसटी की फ्रेंचाइजी लेना हमारे लिए सही है या नहीं है। क्या जो इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या रिटर्न मिल पाएगी हमें, और इसमें मतलब क्या क्या ऑप्शन है अगर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उससे पहले क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, उस हर एक चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बात मैं करने वाला हूं जो आपकी थिंकिंग को एक नया स्कोप देगी, एक नया आइडिया देगी। सो आई एम सीएपीएच गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बात करते हैं जीएसटी फ्रेंचाइजी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, जीएसटी सुविधा केंद्र, जीएसटी सुविधा सेंटर, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसटी फ्रेंचाइजी, इस तरह के आपको बहुत सारे नाम मिलते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र, सेंटर या जो है ये एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, दैट्स अ स्पेशल कंपनी, एक कंपनी का नेम है। सो मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और ये एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये सिर्फ जीएसटी के लिए नहीं, आप किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो वहां पे अप्लीकेबल होती है। चाहे आप हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जो कि बहुत रेयर अलाउ होती है, और या किसी की भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ये सारी बातें वहां पे 100% अप्लीकेबल होती हैं कि फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको 100 टाइम्स सोचना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी टिकटॉक की, तो टिकटॉक जब दिन रात लगाने के बाद भी वो बंद हो गया, तो जिन्होंने अपनी पूरी दिन रात लगा दी थी, सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, पूरा करियर उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, रातों रात उनका करियर खत्म हो गया। उसके बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए बट स्टिल वहां से उनको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी, दिक्कत आई। अब इस चीज पे एक बात करता हूँ, वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, दो तरीके के लोग थे जिनको दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं आई, वो इजिली स्विच हो गए। वो कौन थे, जिन्होंने अपने स्किल्स पे वर्क किया, अपने आप को डेवलप किया, और जिन्होंने टिकटॉक के साथ अदर प्लेटफॉर्म पे भी वर्क किया और उधर भी अपने आप को डेवलप किया, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। सेम नोकिया और मोटरोला की बात करता हूँ, बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो सिर्फ उन्हीं नोकिया और मोटरोला के लिए वर्क करते थे, उनके लिए पार्ट्स बनाते थे, उनके वो सर्विसेज देते थे, और कोई वर्क नहीं था। जब नोकिया और मोटरोला बंद हुई तो वो बिजनेसेस भी बंद हो गए। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर, सब कुछ स्टेक लगा रहे हो किसी और के ऊपर। सेम अगर मैं बात करता हूँ जीएसटी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या आप किसी और चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, कभी भी 100% आप फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड मत हो। ऐसी फ्रेंचाइजी कभी भी मत लीजिए कि अगर वो फ्रेंचाइजी बंद हो जाती है या वो उनका मैनेजमेंट खत्म हो जाता है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाए। आप अपनी स्किल्स पे वर्क करिए, मैं एक बार कहूंगा, आप अपनी स्किल्स पे वर्क करिए। टिकटॉक के केस में भी या दूसरी कंपनी के केसेस में भी, अगर वहां पे एम्प्लॉयज ने या जो वहां पे कंटेंट क्रिएटर थे उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया तो ओवर द टाइम, ठीक है, वो दूसरे ऑप्शन में मूव कर गए। तो सेम यहाँ पे है, अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आपने जीएसटी की किसी की भी फ्रेंचाइजी ली, कल को क्या होगा अगर उनका मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वहां के ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑनर न चाहते हुए भी कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है उस फ्रेंचाइजी के, उनका सिस्टम इस तरह से सॉलिड नहीं था, या लेटर ऑन मैनेजमेंट में कोई फ्लॉ आ जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का आ जाता है, उनके में आ जाता है, या फिर कल को उनकी सर्विसेज अपग्रेड नहीं हो पाती है, आपका पूरा का पूरा करियर उस पे अगर डिपेंड है तो आप खत्म हो जाएंगे। सो दैट्स द मेन थिंग। मगर अगर आपने अपनी स्किल सीखी है, आपने कुछ अपने आप में इन्वेस्टमेंट किया, अपनी आपको नॉलेज है, तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ सीखने के बाद भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वैसे तो फर्स्ट वीडियो एक आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आई बटन में मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखना, जहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज के ऊपर डिस्कस किया। तो अगर आप फ्रेंचाइजी फिर भी ले रहे हैं जीएसटी की,
बट उससे पहले अपनी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई फायदा उसमें नहीं है। अब एक और चीज मान के चलते हैं, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि रिटर्न कितने तरीके की होती है, अच्छा आईटीसी क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, मैं कब क्रेडिट ले सकता हूँ, कैसे टैक्स सेव कर सकता हूँ, फाइव हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स में क्या होते हैं, पीजीबीपी में कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन में कैसे कैलकुलेट होगा, आपको ये सब चीजें नहीं पता है, तो क्या होगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, आप क्या करेंगे कि अच्छा आप बताओ ना, आप क्लाइंट को कहोगे हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम बता देगा, रुको रुको मुझे नहीं पता है, मैं ना आपकी ना कंपनी से बात करा देता हूँ। वो कहेगा अरे कंपनी से बात करनी है तो फिर मैं इनके पास क्यों आया, आप क्या बन के रह गए, कहीं ना कहीं एक एजेंट बन के रह गए, आप बीच में सिर्फ एक रिवेन्यू अर्न कर रहे हो, वो रिवेन्यू चाहे छोटा है चाहे बड़ा है बट लिमिटेड है, कभी भी आप एक लॉन्ग लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्सन जब क्लाइंट आपके पास आया तो वो डायरेक्टली किसी और कंपनी के पास क्यों नहीं गया, उसने ऑनलाइन काम क्यों नहीं करा लिया, ऑनलाइन भी तो इतनी सारी कंपनीज है ना, वो आपके पास आया क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट था, बट जब आप ही उनको सही से गाइड नहीं कर पा रहे हो, आप ही को उसकी नॉलेज नहीं है, तो कैसे वो आपके साथ कंटिन्यू वर्क कर पाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि सभी फ्रेंचाइजी गलत होती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, फ्रेंचाइजी हर तरीके की हो सकती है, हाँ जितना मेरे नॉलेज में है मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, बट कुछ अच्छी रिव्यूज भी रहे हैं, ओके है। इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा उसमें डायरेक्ट करने से अच्छा है, मैं पहले कहूंगा कि आप अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करिए, अपनी नॉलेज ग्रो करिए। अब यहाँ पे मैं रेफर करूंगा कि देखो आपके इंटरनेट का टाइम है, ठीक है, स्किल्स सीखने के लिए आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको मेरे ही अगर कोर्सेज करने हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी जैसे मैंने बोला ना इसको कहेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अगर आपको लगता है तो आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो, उसमें तो मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, दैट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी जीएसटी के कोर्सेज अवेलेबल है, जीएसटी का भी है, इनकम टैक्स का, टैली के बहुत सारे कोर्सेज है, हाँ उसके पेड कोर्सेज भी, अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का सीखना है, आपको है कि रिटर्न फाइलिंग वगैरह भी सीखना है, मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, मुझे ये भी सीखना है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, मैं कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकता हूँ, ऑनलाइन क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करूँ, कैसे ज्यादा फीस चार्ज करूँ, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी मंथली 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए महीना का कमा रहे उनकी तरह वर्क कर सकूँ, तो आप एडवांस कोर्सेज देख सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं। सो इट्स डजेंट मैटर कि आप मेरे कोर्सेज ले रहे हैं, आप किसी और के कोर्सेज ले रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली डजेंट मैटर, बट मेरा पॉइंट इस चीज पे, जब तक आप अपने ऊपर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में एफर्ट्स नहीं देंगे तब तक कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे, हो सकता है कुछ टाइम आप अर्न कर लें। और इसके रिलेटेड अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसके बारे में रिप्लाई करूँ।